हेलो फ्रेंड्स, मैं धर्मेश कुमार, आप लोग का अपना दोस्त। स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल DRX इन्फॉर्मेशन सेंटर में। दोस्तों, हमारी वीडियो अगर आप लोग को अच्छे लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। स्पेशली वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो मेडिकल फील्ड से रिलेटेड है। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट वीडियो। 3, 2, 1। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक ऐसे टैबलेट के बारे में जानेंगे जिसका प्रयोग अस्थमा, जुकाम, सीजनल एलर्जी जैसे कि नाक से पानी आना, आँख से पानी आना, गले में खराश और छींक जैसी बीमारियों में करते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मोंटेलुकास्ट लिवोसिजिन टैबलेट के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आप लोग को इस टैबलेट के कैटेगरी के बारे में बताएंगे, इस टैबलेट को किस कैटेगरी में रखा गया है, इसके यूजेज के बारे में बताएंगे, किन किन बीमारियों में इस दवा का प्रयोग करते हैं, इसके साइड इफेक्ट के बारे में बताएंगे, वार्निंग क्या है इसके, मतलब किन किन लोग को इस दवा ये दवा नहीं लेनी है, इसके डोजेज क्या है और मार्केट में कौन कौन सा ब्रांड इसका अवेलेबल है, इन सब के बारे में आप लोग को इस वीडियो में हम बताएंगे। तो इसके बारे में जानने के लिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। दोस्तों, ये जो मोंटेलुकास्ट और लिवोसिजिन का जो कम्बिनेशन आता है, ये एक टेबलेट में मोंटेलुकास्ट 10 mg में रहता है और लिवोसिजिन जो रहता है ये 5 mg में रहता है। दोस्तों, अब बात करते हैं इसके कैटेगरी के बारे में। मोंटेलुकास्ट जो है दोस्तों, ये लिकोट्राइंस एंटागोनिस्ट कैटेगरी में इसको रखा गया है और लिवोसिजिन को एंटी हिस्टामिन कैटेगरी में रखा गया है। अब बात करते हैं इसके यूजेज के बारे में। इस टेबलेट का प्रयोग अस्थमा में करते हैं, यानी कि अगर आपको अस्थमा की प्रॉब्लम है, सांस लेने की दिक्कत होती है, तब इस दवा का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट, इस दवा का प्रयोग रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में करते हैं, यानी कि फेफड़े में किसी तरह का इन्फेक्शन हो गया है, बहुत दिनों से खांसी आने पर भी फेफड़े में इन्फेक्शन हो जाता है, इस बीमारी में भी इस टेबलेट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, इसका प्रयोग थ्रोट इन्फेक्शन में करते हैं, यानी कि गले में खराश हो गई है, गले में किसी तरह का इन्फेक्शन हो गया है, इस बीमारी में भी इस टेबलेट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, इस टेबलेट का प्रयोग एलर्जी में करते हैं, सीजनल एलर्जी जैसे कि नाक से बहुत ज़्यादा पानी आना, आँख से पानी आना, खुजली होना, छींक आना, इन सब जैसे सीजनल एलर्जी में भी इस टैबलेट का प्रयोग करते हैं। और इस टैबलेट का प्रयोग ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन में करते हैं। ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन मतलब दोस्तों, एक्सरसाइज करते समय या फिर सीढ़ियाँ चलते समय सांस फूलने लगती है, जिससे कि सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, तो उस बीमारी में भी इस टैबलेट का प्रयोग करते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों इसके साइड इफेक्ट के बारे में। अगर इस टैबलेट का प्रयोग आप बहुत दिनों से कर रहे हैं तो कौन कौन सा दुष्प्रभाव आपको देखने को मिल सकता है। तो इसका जो साइड इफेक्ट है दोस्तों, हेडेक यानी कि सर में बहुत ज़्यादा दर्द होगा, फीलिंग स्लीपी यानी कि आपको बहुत ज़्यादा थकावट महसूस होगी, बहुत ज़्यादा आलस महसूस करेंगे, पेट में दर्द होना और एलर्जी होना। इस दवा को अगर बहुत दिनों से आप प्रयोग कर रहे हैं, इस तरह का अगर आपको कोई भी लक्षण दिखता है तो तुरंत आप लोग डॉक्टर या तो फार्मासिस्ट से संपर्क करें। अब बात करते हैं इसके वार्निंग के बारे में, किन किन लोग को ये दवा नहीं लेनी चाहिए इसके बारे में बताने जा रहे हैं। तो जो लोग लीवर के पेशेंट हैं, यानी कि जिनको लीवर की प्रॉब्लम है, वो लोग इस दवा से अवॉइड करें, वो लोग इस दवा का प्रयोग ना करें। जो प्रेग्नेंट लेडी होते हैं यानी कि गर्भवती महिला जो होती हैं और जो लोग फीडिंग कराती हैं, वो लोग इस दवा से अवॉइड करें। जिनको किडनी की प्रॉब्लम है वो लोग भी इस दवा का प्रयोग ना करें। और जिनको एलर्जी होती है ये इस टैबलेट को लेने से, जिनको एलर्जी होती है ये लोग भी इस दवा से अवॉइड करें। अगर किसी भी कंडीशन में यह दवा इनको लेनी पड़ती है तो डॉक्टर या तो फार्मासिस्ट की सलाह जरूर ले लें। दोस्तों, अब बात करते हैं इसके डोजेज के बारे में। जैसा कि हम आप लोग को पहले ही बता चुके हैं, एक टैबलेट में इसका जो कॉम्बिनेशन है मोंटेलुकास्ट 10 mg में रहता है और लिवोसिजिन 5 mg में रहता है। तो इसका जो एडल्ट डोज है दोस्तों, ये ओडी डोज में दिया जाता है, यानी कि एक दिन में एक टैबलेट इस दवा को दिया जाता है, वो भी शाम के टाइम इस दवा को देना चाहिए। शाम के टाइम इसलिए इस दवा को देना चाहिए क्योंकि ये जो लिवोसिजिन है दोस्तों, ये आपको थोड़ा सा रिलैक्स महसूस कराता है, जिससे कि आपको नींद आती है, इसलिए इस टैबलेट का प्रयोग आप लोग शाम को करते हैं तो आप एक अच्छी नींद ले सकते हैं। अब बात करते हैं इसके मार्केटेड ब्रांड के बारे में। मार्केट में दोस्तों, ये आपको मोंटेक एलसी नाम से मिल जाएगा, मोंटेयर एलसी नाम से मार्केट में मिल जाएगा, मोंटेना एल, मोंटेमैक एल, टेलीकास्ट एल, लिकोपियम और मोंटास एल, इन सब नामों से आपको मार्केट में मिल जाएगा। तो लास्ट में हम आप लोग को फिर एक बार बता दें,
अगर आप लोग कोई भी दवाई यूज कर रहे हैं तो डॉक्टर या तो फार्मासिस्ट की सलाह जरूर ले लें। बिना डॉक्टर या फार्मासिस्ट की सलाह के कोई भी दवाई यूज ना करें। धन्यवाद।